सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं Redmi Note 13 Pro Plus, काफ़ी लंबा नाम है इस फ़ोन का, कैमरा टेस्टिंग कर रहा हूँ। और अभी ये फ्रंट कैमरा से ही शूट हो रहा है 1080p 30fps पे। ऑडियो कोई एक्सटर्नल माइक नहीं है, एडिटेड नहीं है, सब जैसे रिकॉर्ड हो रहा है वैसे आपको सुनने को मिल रहा है। और इसमें कुछ ऐसा ऑप्शन भी नहीं है कि मैं वीडियो को वाइड कर सकूँ या कुछ, ये आर्म स्ट्रेच लेंथ पे शूट हो रहा है। थोड़ा सा वाइड होता तो बेटर था, मुझे उतना वाइड नहीं लग रहा। सन मेरे एकदम पीछे है, तो अगर डायनामिक रेंज देखना है, अभी एकदम प्रॉपर सर्दियों वाली धूप निकली हुई आज जब हम शूट करने आए हैं। और अभी ये फ्रंट लाइटिंग सिचुएशन में शूट हो रहा है, सनलाइट मेरे एकदम आगे है। हम आउटडोर लोकेशन पे आए हैं दिल्ली में लोधी गार्डन, तो यहाँ पे कुछ शूट करते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं कि फोटो वीडियो सेल्फी ये सब कुछ डिटेल में ट्राई करेंगे। और इसके फीचर्स क्या क्या नए आए हैं वो भी देखते हैं, बिकॉज 200 मेगापिक्सल का कैमरा है तो वो भी एक देखना है कि क्या चीज़ आई है। तो करते हैं शूट और देखते हैं कि इसका आउटपुट कैसा है और क्या आपको लेना चाहिए। 30,000 का प्राइस इसको जस्टिफाई करता है नहीं करता, लेट्स फाइंड आउट। अब अगर आप फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाते हुए व्लॉग काफ़ी ज़्यादा करने वाले हो, तो एक माइनस पॉइंट जो इसमें मुझे लगा काफ़ी ज़्यादा कि आप 30-32,000 खर्च कर रहे हो फिर भी 1080p हाईएस्ट रेजोल्यूशन है फ्रंट कैमरा में, तो अगर 4K होता तो थोड़ा बेटर था। तो एक सैंपल लेते हैं और फाइनल आउटपुट मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ, मुझे एक यहाँ ऊपर ये शटर वाला बटन मिलता है, तो इस तरीके से आप बेसिकली वीडियो रिकॉर्ड करते हुए फोटोज़ भी ले सकते हो। पॉज यहाँ से प्ले कर दो, जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो वापस रिज्यूम हो जाएगी। तो ये फीचर मुझे काफ़ी यूज़फुल लगा, जो मोस्टली कई फ़ोन्स में नहीं आता। एक और मेजर फीचर जो इसमें मिसिंग है वो है कि वो पोर्ट्रेट या सिनेमैटिक वीडियो मोड नहीं है। तो अगर आपको पसंद है कि वीडियो में थोड़ा ब्लर इफेक्ट आना चाहिए, ऑल दो कई फ़ोन्स में वो सिर्फ 720p होता है, बट स्टिल वो फीचर होता है। बट इस फ़ोन में आफ्टर पेइंग 32,000 वो भी मिसिंग है। तो अगर आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है फीचर तो मैं बता दूं कि वो इसमें नहीं है। बस एक और चीज़ मुझे लग रही है, थोड़ा सा जब हार्श सनलाइट पड़ी है थोड़े हॉटस्पॉट क्रिएट हो रहे हैं, तो इसको मैं स्टूडियो जाके बेटर देखूंगा कि कैसा है। तो अब डिटेल में अगर मैं इसके कैमरा का रिव्यू करूं, आपने फ्रंट कैमरा का सैंपल देख लिया, अब वीडियो और फोटो परफॉर्मेंस बचा। अब मेरा जो ऑनेस्ट ओपिनियन है इस फ़ोन के बारे में, वो प्लस पॉइंट्स भी हैं माइनस पॉइंट्स भी हैं। पहले वीडियो की बात करते हैं जिससे मैं इतना इंप्रेस नहीं हुआ। रियर कैमरा में 4K वीडियो आप शूट कर सकते हो, 1080p का भी ऑप्शन है, यहाँ पे कुछ सैम्पल्स मैं आपको दिखा दूंगा। सबसे पहली दिक्कत जो मुझे वीडियो में लगी वो है फोकस इशू का। दो तीन जगह जब हमने सैंपल दिया मुझे ऐसा लगा पहले वीडियो हल्की सी आउट ऑफ फोकस थी, फिर जाके फोकस हुई, तो वो एक मुझे इशू लग रहा है। दूसरा इशू है फ्लेयर का, स्पेशली बैक लाइट में जब हम शूट कर रहे हैं, साइड लाइट में फ्लेयर बहुत प्रोमिनेंट था, जबकि हमने मेक श्योर किया था लेंस साफ था कैमरा का, स्टिल वो फ्लेयर दिख रहा था। तो अगर आप सन के टाइम में ज़्यादा शूट करने वाले तो इशू आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी हम टेस्ट कर रहे हैं कि अगर डायरेक्टली सनलाइट आ रही है फ़ोन में S23 अल्ट्रा वर्सेस Redmi Note 13 Pro Plus, तो जो हॉटस्पॉट का डिफरेंस आ रहा है वो कैसा लग रहा है। उसके बाद जो अगली दिक्कत मुझे लगी वो है हॉटस्पॉट की, जो मैंने आई थिंक बोलते हुए वीडियो में बताया भी था। वहाँ पे क्या हो रहा है, जब सन एकदम मुंह पे आ रहा है, स्पेशली जब आप आउटडोर शूट करने वाले हो, तो मुझे ऐसा लगा कि एक्सपोजर एडजस्टमेंट वैसा नहीं हो पा रहा और जो बहुत ब्राइट पार्ट्स हैं उसको ये अच्छे से एक्सपोजर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो वो एक दिक्कत है। शेडोज़ में बहुत अच्छे से लाइट फिल हो रही है, शेडो में डिटेल बढ़िया है, बट जहाँ पे लाइट ज़्यादा हो रही है वहाँ पे उतना बढ़िया एडजस्ट नहीं कर पा रहा। तो अभी हम Redmi Note 13 Pro Plus से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 4K में, 4K 30fps क्वालिटी देखने के लिए। ऑडियो डायरेक्टली इसी फ़ोन से आ रही है, सनलाइट अभी मेरे एकदम पीछे है, तो एकदम एक्सट्रीम टेस्ट था जो अभी आप देख रहे थे एकदम हार्श लाइट में। अभी थोड़ी सी साइड लाइट आ रही है, तो कैसे ये एक्सपोजर को कंट्रोल कर रहा है वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। और अभी मैं एकदम फ्रंट लाइटिंग पे आ गया हूँ, सन एकदम मेरे सामने है, तो कैसे ये लाइट को कंट्रोल कर रहा है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। प्लस अभी हम एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपैरिजन के सैंपल्स ले रहे हैं दोनों एक्शन कैमरा का, तो ये चैनल पे शायद आ चुकी होगी, आने वाली होगी, इसके बाद वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो और कुछ एक्सट्रीम टेस्ट करते हैं वीडियो के, एंड लेट्स सी ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो अभी हम एक इंटरेस्टिंग टेस्ट कर रहे हैं वीडियो में, लाइट से एकदम डार्क साइड जाएंगे अंदर को, जहाँ थोड़ा अंधेरा है, तो देखते हैं कि ये पहले तो लो लाइट में कैसे काम करता है एंड डायनामिक रेंज कैसा है। प्लस ऑडियो तो ऑब्वियसली ये बिजनेस में तो हल्का एको होगा, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा एको रहता है। बट अगर एक आइडिया लेना है कि शैडो में, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट लाइट नहीं है जितना है, वो सिर्फ इधर जो बने हुए दरवाजे से वहाँ से लाइट आ रही है। और उसके अलावा अगर मैं वीडियो आउटपुट की बात करूँ तो सही सा आउटपुट है, डायनामिक रेंज इज़ गुड, बट उतनी बढ़िया मुझे नहीं लगी, बिकॉज जिस दिन हम शूट कर रहे थे क्लाउड्स दिख रहे थे, स्काई भी ब्लू कलर का दिख रहा था, बट वीडियो में उतना बढ़िया नहीं आ पाया। एंड ओवरऑल जो कलर्स आपको मिलेंगे वो जैसे नॉर्मल वीडियो में आप एक्सपेक्ट करते हो वैसा ही रहेगा।
उसके बाद हम मूव करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा पे। अब हम अल्ट्रा वाइड पे हमने स्विच कर दिया, तो यहाँ कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा। जब आप अल्ट्रा वाइड में शूट कर रहे हो वीडियो, पहली चीज 4K नहीं है, 1080p 30fps है, 60fps भी नहीं है, तो मुझे लग रहा है वीडियो में थोड़ा सा लिमिटेशन है। बट ये चीज है कि अगर आप अल्ट्रा वाइड में ज्यादा शूट नहीं करते तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर आप अल्ट्रा वाइड में शूट करते हो तो ये एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है कि 1080p है और वो भी 30fps पे। अब अल्ट्रा वाइड में भी मुझे एवरेज परफॉर्मेंस लगा, इतना कुछ खास नहीं था, क्योंकि 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दिया है इसके अंदर, तो 30-32 हज़ार जब चार्ज कर रहे हैं आज के टाइम में, आई थिंक एटलीस्ट 12 मेगापिक्सल होना चाहिए, बट वीडियो में उतना बढ़िया अल्ट्रा वाइड का परफॉर्मेंस नहीं है। अगर आप एकदम बढ़िया लाइट में शूट कर रहे हो फिर आपको डिटेल वगैरह अच्छी दिखेंगी, कलर्स अच्छे हैं, ओवरऑल लुक एंड फील, डायनामिक रेंज आपको बढ़िया दिखेगी, बट जो आप एक्सपेक्ट करते हो जब आप इतना प्राइस पे करते हो तो अल्ट्रा वाइड में उतना बढ़िया डिटेलिंग नहीं है। देन उसके बाद हमने वीडियो में स्टेबलाइजेशन टेस्ट भी किया है 2-3 अलग अलग सिचुएशन में। अब ऑनेस्टली जो प्राइमरी कैमरा में जब आप 1x में शूट करोगे तो स्टेबलाइजेशन डिसेंट है इस प्राइस पे, आई वुड से इस फोन का ना एक्चुअली जो आउटपुट है, मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा वीडियो के हिसाब से, वो 25-27 थाउजेंड तक ये चीज़ें एक्सपेक्ट होती हैं, बट जब आप एक 30 के ऊपर जब आप एक सेगमेंट में जाते हो स्टेबलाइजेशन खासकर बेटर हो सकती थी, तो यहाँ पे इतना बढ़िया स्टेबलाइजेशन का परफॉर्मेंस नहीं है। अल्ट्रा वाइड में भी हमने ट्राई किया था, जहाँ नॉर्मली इस बजट के फोन्स में स्टेबलाइजेशन अच्छा होता है, इसमें आपको डिसेंट मिलेगा, बट जब हम इसमें स्टेडी मोड हमने स्विच करा तो मुझे था कि स्टेबलाइजेशन बढ़िया होगी, बट वो प्राइमरी से भी मुझे उतनी खास नहीं लगी। तो अगर आप स्टेबलाइजेशन के हिसाब से फ़ोन देख रहे हो तो उतना खास आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। बस वीडियो में एक चीज़ जो मुझे थोड़ा इंप्रेसिव लगा वो है लो लाइट परफॉर्मेंस। जब हमने लो लाइट में कुछ सैम्पल्स लिए तो अगर आप ज़्यादा चलते हुए वीडियो नहीं बनाओगे, स्टेडी एक जगह खड़े होकर वीडियो बना रहे हो, तो एक्सपोजर कंट्रोल अच्छा है, लो लाइट में ज़्यादा नॉइस नहीं मिलेगी, कलर्स आपको अच्छे से दिख जाएंगे, स्पेशली सनसेट जब हो रहा है उस टाइम बढ़िया ऑरेंज ब्लू जो कलर्स हैं वो देखने को मिलेंगे, तो लो लाइट में अच्छा आउटपुट है। बस मैं बोलूँगा कि अल्ट्रा वाइड में लो लाइट में शूट करना, बिकॉज बहुत ही सॉफ्ट वीडियो आती है, उसको कुछ डिटेल कुछ टेक्सचर नहीं दिखेगा, तो प्राइमरी से अगर आप लो लाइट करोगे इट्स गुड, बट अगर आप स्टेबलाइजेशन लो लाइट में अगर हम बात करें तो वो जर्क्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं, स्पेशली जब लाइट कम हो जाती है। लास्ट में वीडियो का एक फीचर जो है स्लो मो, तो आप 120fps पे 1080p में शूट कर सकते हो, विच इज़ गुड एंड आई थिंक वो स्टैंडर्ड है आजकल इस प्राइस में, तो यहाँ एक सैम्पल है जो आप दे सकते हो, तो मुझे फ्रेम्स के वगैरह कोई इशू लगा नहीं, तो ओवरऑल स्लो मो आप सही से शूट कर सकते हो। तो ये था मेरा वीडियो का फर्स्ट इंप्रेशन, जहाँ मुझे इतना खास नहीं लगा आउटपुट ऑनेस्टली, बट जिस सेगमेंट में Redmi Note 13 Pro Plus बहुत बढ़िया काम करता है वो है फोटोग्राफी सेगमेंट। तो फोटोज की बात करते हैं, पहले जो इसका प्राइमरी कैमरा है 200 मेगापिक्सल का, यहाँ लिखा हुआ भी दिख जाएगा फ्लैश के नीचे। अब उसका बेनिफिट क्या मिलता है जो अभी तक बहुत फोन्स नहीं कर पाए थे, जो एक्चुअली Redmi ने किया है, जो एक्चुअल आईफोन ने भी किया था, आपको 1x 2x और 4x का ऑप्शन मिलता है, और वहाँ पे क्या होता है बेसिकली इन पिक्सल्स का यूज़ करके आपको एक क्रॉप्ड वर्जन फोटो का मिलता है। अब मुझे था कि 4x एक गिमिक है, उतना बढ़िया आउटपुट नहीं आएगा, बट एक्चुअली मुझे 4x में बहुत अच्छी डिटेल दिखी, टेक्सचर अच्छी है, खासकर डायनामिक रेंज और एक्सपोजर कंट्रोल बहुत अच्छा है, कई बार तो 1x से बेटर आपको 4x में एक्सपोजर कंट्रोल मिल जाएगा। तो अगर आप एक ऐसा फ़ोन देख रहे हो जहाँ पे आप के पास टेलीफोटो कैमरा ना होते हुए भी आप जूम करके फोटो ले सको, तो मुझे लगता है दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन जिस प्राइस पे फ़ोन आ रहा है, तो 2x और 4x स्पेशली आपको बढ़िया आउटपुट देंगी और डिटेल शार्पनेस बढ़िया है। इसके अलावा अगर मैं स्टैंडर्ड कैमरा की बात करूँ, ऑल ओवर आउटपुट इज़ गुड, इमेज क्वालिटी अच्छा है, शार्पनेस बहुत बढ़िया है, और एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि आपको जो बैकग्राउंड ब्लर मिलेगा ना वो बहुत बढ़िया है, नेचुरल ब्लर इफेक्ट 1x में, अगर आप थोड़ा सब्जेक्ट के पास जाके फोटोज ले रहे हो जैसे फ्लावर्स वगैरह की, तो आपको जो नेचुरल ब्लर मिलता है वो काफ़ी बढ़िया लगेगा। एंड इवन इसका जो क्लोज फोकस डिस्टेंस है वो भी काफ़ी सही है, आप काफ़ी पास जाके सब्जेक्ट के फोटो ले सकते हो बिना मैक्रो मोड में स्विच करें, तो अगर आपको हाई मेगापिक्सल हाई रेजोल्यूशन में फोटो चाहिए तो क्लोज फोकस डिस्टेंस इसका बढ़िया है। उसके अलावा प्रोसेसिंग काफ़ी अच्छे से की गई है प्राइमरी कैमरा में, ओवर शार्पनिंग मुझे नहीं देखने को मिली, जो नॉर्मली इस बजट के फोन में आजकल हो रहा है कि जब आप डे लाइट में फोटो लेते हो बहुत ओवर शार्पनिंग अप्लाई होती है, इसमें वो चीज़ नहीं है, कलर्स काफ़ी सही हैं, हल्के से बूस्टेड हैं, तो आपको अगर खींच के सोशल मीडिया पे भी डालनी है तो आपको ज़्यादा एडिटिंग नहीं करना पड़ेगा और ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड भी नहीं है। और एक काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन सब्जेक्ट के सैंपल्स हो, तो यहाँ एक दो मैं आपको फोटोज भी दिखा दूंगा, तो स्किन टोन काफ़ी अच्छे से मैनेज हुआ है, ऑल्दो हम जब शूट कर रहे थे तब धूप थोड़ी निकली हुई थी, स्किन का स्टिल जो टेक्सचर कैप्चर किया है इस फोन ने काफ़ी अच्छा है, डिटेल्स अच्छी हैं, इवन स्किन टोन को काफ़ी नेचुरल साइड पे रखा है। और एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, हमने HDR ऑन एंड ऑफ करके भी कुछ सैंपल लिए हैं, तो वहाँ भी
मुझे फ़र्क लगा, जब HDR ऑफ था तो सन का उतना बढ़िया से नहीं दिख रहा था कलर्स वगैरह, और जैसे ही हमने HDR ऑन किया तो बढ़िया डायनामिक रेंज ये दे रहा है। देन मूव करते हैं 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा पे, जो ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ मुझे लग रहा था कि आउटपुट अच्छा नहीं होगा, मुझे इसके नेगेटिव पॉइंट्स बोलने पड़ेंगे, बट जब मैंने पूरे सैंपल्स देखे अभी स्टूडियो में, एजेस में बस थोड़ी सी सॉफ्टनेस है जो नॉर्मली अल्ट्रा वाइड में होती है, बट उसके अलावा कंसिडरिंग 8 मेगापिक्सल का कैमरा है और जिस प्राइस पॉइंट पे फ़ोन है, मुझे ऑल ओवर डिटेलिंग बहुत अच्छी लगी। ऑलमोस्ट 70-80% एरिया सेंटर से काफ़ी बढ़िया डिटेल्स हैं, कॉन्ट्रास्ट कंट्रोल बहुत अच्छा है, डायनामिक रेंज आई वुड से अल्ट्रा वाइड एंगल में नॉर्मली इतना अच्छा नहीं होता, बट Redmi Note 13 Pro Plus में आपको डायनामिक रेंज भी बढ़िया मिलेगी, कलर्स काफ़ी अच्छे हैं, ऑल ओवर आई थिंक बहुत बढ़िया काम कर रहा है। इवन बैक लाइट में सनसेट के टाइम जब हमने फोटोज लिए हैं तो नॉर्मली क्या होता है शेडो वाले एरियाज में अल्ट्रा वाइड एंगल में बहुत डार्क हो जाते हैं, कॉन्ट्रास्ट बहुत ऐड होता है, बट इस फोन में डायनामिक रेंज बहुत अच्छी है अल्ट्रा वाइड एंगल में, जिस वजह से शेडोज में भी सनसेट के टाइम या डार्क टाइम्स में भी आपको बढ़िया डिटेल मिल जाती हैं। तो ऑल ओवर आई थिंक अल्ट्रा वाइड इसका काफ़ी शार्प है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं मैक्रो कैमरा पे, तो छोटा सा 2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, अगेन इतना कुछ खास आउटपुट नहीं है, बट प्रोसेसिंग की वजह से थोड़ा सा आपको बढ़िया फोटोज मिल जाती हैं, ओवर शार्पनिंग नहीं है, जो चीज़ एक सही है। फिर उसके बाद जब लो लाइट हो गई थी रात को, शाम को हमने कुछ फोटोज़ लिए स्टैंडर्ड अल्ट्रा वाइड में, तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, अगेन आई वुड से जैसे वीडियो में इसका लो लाइट परफॉर्मेंस अच्छा था, फोटोज़ में भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस है। प्राइमरी की अगर मैं बात करूँ तो लाइक आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस हो रही है, डिटेल अच्छे हैं, टेक्सचर बहुत अच्छे से दिखा रहा है, नॉइस मुझे कहीं भी देखने को नहीं मिली। बस एक चीज़ मुझे लगा कि क्योंकि लो लाइट में शट स्पीड हल्की सी स्लो हो जाती है, तो अगर मूविंग सब्जेक्ट्स आपके फ्रेम में होंगे तो वो हल्के से मोशन में देखेंगे, अदरवाइज ये बहुत अच्छे से लाइट को कंट्रोल कर रहा है, शेडो हाईलाइट का बैलेंस काफ़ी बढ़िया दे रहा है। इवन अगर आप अल्ट्रा वाइड एंगल से फोटो लोगे तो भी नॉर्मली जो सॉफ्टनेस आती है फोटोज़ में वो इसमें नहीं है, डिटेल अच्छे हैं, आपको बढ़िया से कम नॉइस के साथ फोटोज़ अल्ट्रा वाइड में भी मिल जाएंगी, बस मुझे एक चीज़ लगा। और फिर जब हमने नाइट मोड ऑन एंड ऑफ करके भी फोटोज ली, यहाँ भी मुझे डिफरेंस लगा कि नाइट मोड में हल्का सा कॉन्ट्रास्ट ऐड हो रहा है, कलर्स थोड़े से बूस्ट हो रहे हैं, साथ ही साथ डिटेल थोड़ी सी बेटर हो रही है, स्पेशली अल्ट्रा वाइड में अगर आप रात के टाइम ज़्यादा फोटो लोगे आई विल सजेस्ट नाइट मोड ऑन करके लेना, आपको ज़्यादा बेटर आउटपुट मिलेगा। देन मूविंग ऑन टू पोर्ट्रेट्स, अगेन यहाँ पे जब मैं फ़ोन में आउटपुट देख रहा था मुझे कुछ शिकायतें थी, बट अब जब मैंने अपनी स्क्रीन में अच्छे से फोटोज़ देखी हैं तो मुझे कुछ मेरे व्यूज़ हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहले अगर मैं फेस की बात करूँ तो कलर काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रहा है, कहीं भी मुझे ऐसा मेजेंटा टिंट नहीं लगा, काफ़ी नेचुरल साइड पे स्किन टोन्स हैं, बट उससे बढ़िया चीज़ है जो क्लैरिटी, जो डिटेल फेस में ये पोर्ट्रेट मोड में कैप्चर कर रहा है वो काफ़ी सही है। नॉर्मली फोन्स पोर्ट्रेट मोड में थोड़ा सॉफ्टनेस फिल्टर सा अप्लाई कर देते हैं, वो ऑप्शन है आपके पास, बट बाय डिफ़ॉल्ट डिटेल काफ़ी बढ़िया दे रहा है। एज डिटेक्शन मोस्ट सिचुएशन में काफ़ी सही है, इवन जो ब्लर इफेक्ट है वो मुझे इतना ज़्यादा आर्टिफिशियल नहीं लगा, काफ़ी नेचुरल साइड पे लगा, बस ये है जहाँ लाइट सोर्स आपके बोके में आएंगे ना वो थोड़े से फेक सा बोके लगता है, बट अदरवाइज बैकग्राउंड ब्लर भी काफ़ी बढ़िया है। एंड इवन हमने कुछ फुल बॉडी शॉट्स ट्राई करे, ये फ़ोन फेल नहीं होता, आप फुल बॉडी पोर्ट्रेट शॉट्स ले सकते हो और एक्चुअली कई सिचुएशन में काफ़ी बढ़िया एज डिटेक्शन और ब्लर इफेक्ट ये दे रहा है। बस एक दिक्कत जो मुझे इस फ़ोन में लगी वो है पोर्ट्रेट मोड में नॉर्मली 2x या 3x ऑप्शन हो सकता था, इसमें सिर्फ 1x है, तो नॉर्मली जो आप प्राइमरी कैमरा में ये Redmi ऑप्शंस दे रहा है 1x, 2x, 4x, पोर्ट्रेट में एटलीस्ट 2x हो सकता था, बिकॉज 1x में ऑनेस्टली पोर्ट्रेट्स में ना बहुत अजीब सा पर्सपेक्टिव आता है तो मुझे भी पसंद नहीं है, बट स्टिल वो एक चीज़ इसमें मुझे मिसिंग लगी। देन लास्ट में सेल्फी कैमरा की अगर हम बात करें, वीडियो आप स्टार्टिंग में देख चुके हो, फोटोज़ की अगर मैं बात करूँ ठीक है, इतना कुछ खास नहीं है, अगर आप सिर्फ सेल्फीज़ ले रहे हो कलर टोन अच्छा है, स्किन टोन बढ़िया आता है, डिटेलिंग शार्पनेस अच्छा है, डायनामिक रेंज सही से कंट्रोल कर लेता है, बस एक दिक्कत मुझे लगी जब पोर्ट्रेट मोड में अगर आप सेल्फी लोगे एज डिटेक्शन उतना खास नहीं है, एजेस में बहुत अजीब सा डिटेक्शन है, अब उससे अवॉइड कर सकते हो या रियर कैमरा से ले लेना इस तरीके से फ़ोन पकड़ के, बट जो फ्रंट से पोर्ट्रेट आ रहा है उसका एज डिटेक्शन मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी अगर मैं इसके इंटरफेस की बात करूँ तो ऑल ओवर मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लगी, कुछ बेटर हो सकती थी। पहली चीज़ नीचे की तरफ 200 मेगापिक्सल का मोड नीचे ही दे दिया है, तो आपको अलग से कहीं ड्रॉप डाउन में या कहीं सेटिंग्स में जाके इनेबल नहीं करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से अगर आप स्टैंडर्ड या 200 मेगापिक्सल में स्विच करना चाहते हो
तो वो इन्होंने थोड़ा सा ईजी कर दिया है। हाउएवर एक चीज़ जो मुझे मोटो के फ़ोन्स में बेटर लगती है जो इसमें नहीं है, मैक्रो अगर मुझे इनेबल करना है तो मुझे ड्रॉप डाउन पे जाना पड़ेगा फिर मैक्रो इनेबल करना पड़ेगा। बस एक चीज़ अच्छी लगी, अगर मैक्रो इनेबल्ड है और आपको डिसेबल करना है तो ऊपर ही टॉप लेफ्ट में आपको आइकन मिलता है, इसको टैप कर दो मैक्रो ऑफ हो जाएगा। बट एक इंटरफेस मुझे ऑल ओवर इसका अच्छा लगा कि जब आप ड्रॉप डाउन में जाते हो तो इस तरीके से सारे आइकन्स आपको नीचे की तरफ मिल जाते हैं, कई फ़ोन्स में ऊपर की तरफ होते हैं तो वो यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो आप सिंगल हैंडेड भी अगर शूट कर रहे हो तो नीचे की तरफ पूरे ऑप्शंस हैं, आप यहाँ से ही एडजस्ट कर सकते हो। काफ़ी कुछ कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं, इनको मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको एक AI कैमरा का मोड मिलता है, इसके कुछ सैम्पल्स लेते हैं और वो हम डिफरेंस देखेंगे। एंड देन आपको वॉइस शटर का भी ऑप्शन मिलता है। तो बेसिकली वॉइस कंट्रोल में क्या है, अगर मैं बोलता हूँ चीज़ तो इसने फोटो कैप्चर कर लिया। तो इस तरीके से आप वॉइस कमांड से भी फोटोज कैप्चर कर सकते हो। उसके बाद टिल्ट शिफ्ट मोड है, टिल्ट शिफ्ट मोड में अगेन अभी कुछ सैंपल मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा। बेसिकली जब आप इस मोड में जाते हो ना, दो ऑप्शन मिलते हैं, एक सर्कुलर शेप है, एक वर्टिकल शेप हॉरिजॉन्टल शेप मिलता है। तो इस तरीके से ऊपर नीचे आपको ब्लर इफेक्ट मिलता है, तो आप एक फेक टिल्ट शिफ्ट इफेक्ट इसमें दे सकते हो, रिक्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज बेसिक ऑप्शंस हैं, टाइमर है, वॉटरमार्क है, ये सारी चीज़ें हैं। सो ऑल ओवर ये था मेरा Redmi Note 13 Pro Plus का कैमरा टेस्टिंग वीडियो। तो फोटो वाले सेगमेंट में मुझे बहुत सही लगा, कहीं भी ऐसी मेजर दिक्कत नहीं है। आई थिंक आपने रिव्यू सोनी लिया। वीडियोज़ में मुझे लगता है कि इतना खास ऑप्शन नहीं है। पहले तो फ्रंट कैमरा में 1080p है, 4K नहीं है, स्टेबलाइजेशन उतना खास नहीं है। वीडियो में कुछ कुछ दिक्कत थी जो मैंने बताई, अल्ट्रा वाइड उतना मुझे इंप्रेसिव नहीं लगा वीडियो में। तो खासकर अगर आप ये फ़ोन ले भी रहे हो 30-32-33 हज़ार का, आई थिंक 25-26-27 हज़ार का होता तो ये वैल्यू फॉर मनी था। बट 30 के ऊपर जब हम जा रहे हैं तो फोटोज़ के लिए सही है, वीडियो के लिए मुझे उतना बढ़िया नहीं लगा। आपके क्या मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, आई वुड लव टू नो। और इस फोन का कंपैरिजन किसके साथ करना है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।